पश्चिम केरला की सीमा पर एक साधारण सा राम मंदिर है, जिसकी देखभाल के लिए आसपास के दो गांव में संघर्ष चल रहा है। ये उसी की कहानी है। ओम चामुंडेश्वरी नमः। ओम चामुंडेश्वरी नमः। ओम चामुंडेश्वरी नमः। हेलो वीरभद्रा जी, जिसने आपके बाप और रिश्तेदारों को मारा है वो इंद्र सिन्हा आज ही रिहा हो गया है। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? इंद्र सिन्हा वो जेल से रिहा हो गया। मेरा हक बनता है कि मैं उसका सर काटकर रावणपुरम गांव ले जाऊं, चामुंडेश्वरी देवी को उसका खून अर्पण करूंगा। मैंने देवी से उसकी रिहाई मांगी, आज उसका दिन आ गया। नहीं, कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचिए, रहम करिए, मत जाइए। मैं आज ही के दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उसने तुम्हारे घर में आग लगा दी थी, जिस आग में तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे जलकर खाक हो गए थे। उसे मारने का हक तुम्हारा है। ये लो वीरभद्र का सर काट के आओ, जाओ। समय नहीं है कि मैं अस्पताल जा सकूं। एक बार तुम मेरे बच्चे को मेरी तरफ करो। मैं चाहता हूं कि वो मेरा खून देखे, ये बड़ा होकर मेरे खून का बदला ले सकेगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरे मौत को ना भूले। नहीं, इसे खून देखने की कोई जरूरत नहीं। सुमित्रा, सुमित्रा, उसके खानदान में एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। खत्म कर दो सबको। आठवां बच्चा ही कंस की मौत का कारण बना था। ये कहानी अब दोहराई नहीं जाएगी। वीरभद्र के बेटे का पांव इस जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। वीरभद्र का बेटा दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढकर खत्म कर दो। समझ गए तुम लोग? बंद करो तुम लोग अपनी ये बदले की भावना। कुछ साल पहले हम अच्छे पड़ोसी थे। एक मंदिर की देखरेख के लिए आज दोनों गाँव के जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए हैं। एक दूसरे को मारना, काटना, एक दूसरे के खून के प्यासे होना, बंद करो ये सब कुछ। सुनो नरसिम्हा, इस घर में अन्नपूर्णेश्वरी देवी वास करती हैं। अगर इस घर में किसी इंसान का खून बहा तो देवी काली का रूप ले लेंगी, नाश कर देंगी। इसे मत भूलना। सूर्य सिम्हा, चंद्र सिम्हा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल बीत गए। जिस वीरभद्र ने तुम्हारे चाचा को बुरी तरह से मारा है, उसके बेटे को मत छोड़ना। मुझसे वादा करो। सलाम वालेकुम असगर भाई। अच्छा रामू अब तक पहुंचा नहीं? माफ कीजिएगा मुझे, वो अभी पहुंच जाएगा। ये रामू ना जाने कहां चला गया, किसी भी दुकानदार तक सामान नहीं पहुंचा है। मैंने उसके अंदर हुनर देखकर काम पर रखा था। अगर उसने समय पर सामान नहीं पहुंचाया, तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। क्या यार, थोड़ा पैदल तेज मारो ना, लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। Oh, 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 oh
हाँ ठीक है ठीक है भाई साहब, ये लीजिए अपना सामान। तुम लेट आते हो भाई साहब, माफ कीजिएगा, साइकिल पंचर हो गई थी। अरे यार ये तो सफेद झूठ बोल रहा है। दूसरी बार अगर ऐसे लेट हुए ना तो मुझे तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना, छोड़ो ना, कभी नहीं सुधरेगा ये। ए, आज हमको ये 5 बोरी चाहिए। भाई साहब मेरी साइकिल पर 2 बोरी से ज्यादा नहीं आएगी। अरे कौन बोला बोरी साइकिल से लेके आने को? भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, मैं 4 बोरी अभी लेकर आता हूँ, फिक्र मत करो, 4 बोरी तो है। 4 बोरी है, खुद उठा के देख टकले। क्या मुसीबत है, अगर नहीं रुका तो बच्ची का स्कूल छूट जाएगा। ए गुड़िया रानी आजा। पहले से ही वजन कम है कि बच्ची को और बुला रहा है। आजा। बहुत बढ़िया। हुँ? देखो बेल बज रही है, तुम अपनी खटारा साइकिल को बेचकर एक बाइक क्यों नहीं खरीद लेते? बच्ची ने तो जरा मुंह बंद कर दिया, चल अब साइकिल पर पैडल मार। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं है। अरे तुम लोग मजाक करते हो क्या? साहब सिर्फ 2 ही घंटे तो लेट हुआ ना। अब कभी यहाँ सामान सप्लाई मत करना। अरे भाई साहब चल काम चोर। भाई साहब 1 प्लेट पूरी भाजी। 1 प्लेट? हाँ। भाई साहब माफ कीजिए ना, ऑर्डर कैंसिल। नौकरी चली गई। सर आप मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरे दोस्त केशव ने तुम्हें यहाँ भेजा, मैंने इसीलिए तुम्हें काम पर रखा, पर सभी दुकानदार हमेशा तुम्हारी शिकायत करते रहते हैं। क्या उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए? चुप रहो। तुमने कहा कि तुम अगले हफ्ते अपना ऑटो ले लोगे, उस बात को 2 साल हो गए। वो इस खटारा साइकिल के ऊपर अब तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ। अबे खटारा होगा तू, मैं तेज पिकअप वाला हरक्यूलिस हूँ। सर ऑटो रिक्शा खरीदने की अभी मेरी औकात नहीं है। तुम्हें ऑटो खरीदना ही होगा, वरना तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साहब अब मुझे क्यों सहला रहा है, मैं तेरे जैसे रोने वाला नहीं हूँ। चलो कुछ भी हो, अब मुझे कुछ दिन का आराम मिलेगा। ओ बाबा जी, जिस बेटे को तुमने पाला आज उसकी नौकरी चली गई। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? आपको कैसे पता चला? मुझे आज सुबह ही पता चल गया था। अगर मेरे पास 3 लाख रुपए होते तो मैं ऑटो खरीद लेता। तुम्हारे पास कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? रुकिए मैं चेक करता हूँ। इसमें से 10 रुपए की मैं चाय पी गया, तो बाकी मेरे पास अभी 2,99,930 रुपए कम है। क्या आप इतने पैसे मुझे देंगे? ये पैसे बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरे माँ बाप भी तो नहीं है ना, मुझे सिर्फ विरासत में ये पुरानी साइकिल मिली है। पुराना होगा तेरा बाप। क्या आपको मेरी परेशानी नहीं दिख रही है? अगर आज माँ और पिताजी जिंदा होते, आप मेरे पिताजी का चेहरा देख रहे हैं, कितने दयालु लग रहे हैं, लेकिन बहुत गुस्सैल थे। पता है ये एक जमींदार थे। हाँ ये सच है, मुझे याद है, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पिताजी जमींदार थे। उसने कहा था कि दुश्मनी की वजह से तुम्हारे पिताजी की जान चली गई थी। क्या माँ ने कभी हमारे गाँव के बारे में बताया था? हाँ बताया था, पर
उसने इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए मना किया था। लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ अपने गांव के बारे में जब भी बात करती थी वो डर जाती थी, पर जब मैंने तुम्हें 3 लाख के लिए इस तरह परेशान देखा तो बताने से खुद को रोक नहीं पाया। बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे ये दिया था। ये क्या है? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम गांव के पोस्ट ऑफिस में 3 लाख रुपए जमा किए थे। ये उसी के पेपर्स हैं। उस वक्त 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। अब ये कितने पैसे हो गए होंगे? वो सब मैं नहीं जानता बेटा। उसने मुझे कहा था कि ये कोई स्कीम थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें 30 लाख रुपए मिलेंगे। अब तुम किस सोच में पड़ गए? 30 लाख रुपए? केशव अंकल, इसमें से 3 लाख का ऑटो खरीदूंगा और जो बाकी पैसे बचेंगे उनसे मैं एक घर बनाऊंगा जिसमें स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, तू पहले पोस्ट ऑफिस जाकर पता कर। अंकल हाँ, पर आपने वहां का पता नहीं बताया। वो दक्षिण दिशा में है, उसका नाम रावणपुरम नहीं रामपुरम है। पिताजी, वो लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आने दो उन्हें, उन लोगों को हमारी खातिरदारी दिखा देना। ऐसी खातिरदारी करना कि वो लोग कभी ना भूले। समझ गए? अन्नपूर्णेश्वरी देवी, सहायता करना। नरसिम्हा, मेहमान भगवान होते हैं, देवी हमारी सहायता करेंगी, आशीर्वाद देंगी। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सर, रावणपुरम की सीमा यहीं से शुरू होती है और ये गांव लगभग 5,000 एकड़ में फैला हुआ है। ब्यूटीफुल विलेज। नो सर, फूल्स विलेज। क्योंकि यहाँ के लोग बिना दिमाग के हैं, तभी तो वो लोग आपकी कॉर्पोरेट कंपनी को 2,000 एकड़ जमीन सस्ते में बेच रहे हैं। इन बेवकूफों को लगता है कि ये जमीन पूरी तरह से पथरीली और बंजर है, पर हमें पता है वो जमीन बंजर नहीं, सोना है सोना। अब उनके पास 300 एकड़ बचेंगे। मैं उस गधे नरसिम्हा को बेवकूफ बना के वो जमीन भी आपको दिलवा दूंगा। अरे सर, वो इन बेवकूफों के साम्राज्य का राजा है। सर, मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान होगा, क्योंकि नरसिम्हा पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और यहाँ की पुलिस भी उससे बहुत डरती है। वो सब भूल जाइए, आपको पता है ना मैंने मुंबई के कितने भाई लोगों के साथ सौदा किया है। उन लोगों के सामने तुम इस सड़क छाप से डर रहे हो। आपकी यात्रा अच्छी रही ना? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी रही। आई एम महेश शर्मा। मैं नरसिम्हा हूँ, ये मेरी पत्नी राजलक्ष्मी। हेलो। ये मेरा बड़ा बेटा सूर्य सिम्हा। हेलो। और ये छोटा बेटा चंद्र सिम्हा। हेलो। सबसे छोटी बेटी है, पुणे में पढ़ती है। मतलब यहाँ कोई स्कूल नहीं है क्या है? आप इसी बिल्ली के बच्चे के ऊपर 100 से ज्यादा केस बता रहे थे। इनकी मूछे ही सिर्फ गुंडों वाली है, पर हकीकत में सबके सब देहाती है। क्या कह रहे हैं इनसे? कुछ नहीं सर, ये कह रहे थे कि आप लोग गुंडे हैं और जैसे आपका सामना होगा हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। आइए। रुकिए मुत्तू। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। आइए। वो अन्नपूर्णेश्वरी देवी का मंदिर है, आशीर्वाद ले लीजिए। चलो इनसे भी कुछ डील कर लेते हैं।
चलिए इस तरफ बैठिए। ये गाय भैंस इस घर में क्या कर रही हैं? हम गाय को भगवान का रूप मानते हैं। ओ, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ओ, पता है इन लोगों में और जानवरों में एक ही फर्क है, इन लोगों ने कपड़े पहने हुए और वो लोग नहीं। सही कहा ना? सर, व्हेन कैन वी सी द डॉक्यूमेंट्स? हेलो, ये सब क्या है? इन लोगों के सामने इंग्लिश इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं है, ABCD भी नहीं आती होगी इन लोगों को। रुको, मैं बात करता हूँ। बात यह है कि मुंबई में आप जैसे गुंडे गलियों में घूमते रहते हैं। हम जब भी उनके साथ बिजनेस करते हैं तो ईमानदारी से 5% उन्हें दे देते हैं, अगर वो हमारी बात आराम से मान लेते हैं तो, पर आपको 10% देंगे। क्या कहते हैं? आप लोग बहुत दूर से आए हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर बिजनेस। तुम लोगों ने नॉनवेज नहीं बनवाया? हमारी फैमिली वेजिटेरियन है। घंटा वेजिटेरियन, जो जानवर बंधे उन्हीं में से कोई काट देते। ये क्या है? ये धनिये की चटनी है। कलर देख के मुझे लगा जैसे गाय का गोबर है। हेलो, ए खड़ा क्या है? पानी डाल। हाँ 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 हाँ, अरे डील फाइनल हो गई। इट्स सिंपल, मेरे आते ही डील फाइनल हो गई। टावे लेके खड़े क्यों हो भाई? हाँ, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाय हाय हाय, लगता है इस उम्र में भी जहां पना काफी शौकीन है। लगता है तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, या तुम दोनों ने भी अपने बाप की तरह कोई जुगाड़ बना रखा है? हा? अरे चुप क्यों, बोलो बोलो। इस घर के अंदर हम अपने मेहमानों को अतिथि देवो भव मानते हैं, पर हर चीज की एक हद होती है। मैं उसी वक्त मार देता, पर अन्नपूर्णेश्वरी देवी इस घर में वास करती है, अगर यहाँ खून गिर गया तो देवी काली माँ का रूप धारण कर लेगी, बस इसीलिए। चंद्र सिम्हा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बात कर रहे हैं? इसे बाहर पत्थरों पर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर देना, लेकिन आराम से। वो क्या? आपको रास्ते में कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब रखवा रहा हूं। मैंने देखा था आप खाना बहुत चाव से खा रहे थे। कार में बैठ जाइए। इस जमीन के नीचे ग्रेनाइट है, हम बेवकूफ नहीं हैं जो आपको ये जमीन बेच रहे हैं। अगर आप जैसा कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का मालिक यहाँ आता है तो इस गांव के गरीब लोगों को काम और रोजगार मिल जाएगा, इसलिए बेच रहा हूँ। जाइए। ले भैया, अपनी पर्ची ले जा। अरे भाई साहब, ये साइकिल पार्किंग के लिए कितना पैसा लगेगा? 1 घंटे के लिए 3 रुपए, 1 दिन का 50 रुपया, 500 रुपए 1 महीने के लिए।
अरे भाई साहब, ये साइकिल बेचूंगा तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। ये तेरी जंग खाई साइकिल कौन खरीदेगा? अबे मोटे, जंग लगी होगी तेरे टकले पर। ए अशोक, इधर आ। क्या जमाना आ गया। अब मैं साइकिल का क्या करूं? अगर इसे घर रखने गया तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। बोलने के तरीके से तो लग रहा है कि ये मलयाली है। बर्तन हो या कोई भी चीज हो, बाढ़ राहत के लिए कोश, इस खटारा को देखकर इनकी मदद कर सकता हूँ। अबे तू मुझे दान में देना चाहता है? बाकी और मैं भी पुण्य कमाना चाहता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, तो आप मलयाली हैं। आपके इस कोष में मैं ये साइकिल दान करना चाहता हूँ। ये देखने में तो खटारा लगती है लेकिन है एकदम मजबूत। अबे मेरा सर फोड़ेगा क्या? जब मेरे पड़ोसी कहीं और जाकर बस गए तो उन्होंने मुझे ये साइकिल दे दी। इसकी घंटी सुनी? अगर ये आपसे बात कर सकती तो मेरे और उसके रिश्ते के बारे में जरूर बताती। इसका मतलब तू आज तक मेरी बात नहीं सुन पाता था? ये पुरानी है इसलिए दान नहीं कर रहा हूँ। हमारा साथ यहीं तक था। जब मैं वापस यहाँ आऊंगा तो मेरे पास ऑटो या फिर कार होगी। अब इस खटारा का कोई काम नहीं। भिखारी कहीं का? इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू माय सन। अरे जरा संभाल कर। तेरे बुरे दिन में मैं तुझे ढोता रहा, अब तू मुझे ठुकरा रहा है। मैं तुझे बता देता हूँ, एक दिन तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। भिखारी दिन क्या बदले, तू मुझे भूल गया। अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। इसका मतलब मलयाली है। हेलो। हेलो, हाँ मैं अभी भी ट्रेन में ही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। जब तुम मेरे इतने पास हो तो फोन करने की क्या जरूरत है? मैंने आपको फोन नहीं किया, बस ऐसे ही हेलो कहा था आपसे। बोलो क्या काम है? ये मेरी सीट है। इसे तुम घर से लाए थे क्या? देखिए ये सीट मेरे नाम पर बुक्ड है। ओहो, आपका कुछ गिर गया क्या? नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि सीट पर तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा नाम बार चार्ट में लिखा मिल जाएगा। अरे मेरी किताब। अरे जब मैं प्यार से बात कर रहा था तो समझ में नहीं आया। मर जाऊंगा। कुछ लोगों को तमीज ही नहीं होती। Come on! Fast! Come! और तेज दौड़ो! बस तुम पहुंच गई हो, आ जाओ! ये बाइक मुझे दे दो, आ जाओ! मैं कहां गया? सॉरी। ओए माँ। आप मलयाली हैं? आप भी मलयाली हैं क्या? इसलिए आपने उस आदमी को नीचे गिरा दिया जो आपको ऊपर उठाना चाहता था। कोई जरूरत नहीं है, ये आदमी ही गलत है। उधर क्या देख रहे हो? ये सब तुमने क्या कर दिया? कम ऑन, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी आओ, ऊपर चढ़ जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जिन लड़कियों की ट्रेन छूटती है उनके साथ ऐसा ही करते हो क्या? हाँ छोड़ो, ट्रेन में चढ़ो। सुनिए, मैंने चैन खींचकर गाड़ी को यहाँ पर रोका है। अब आपको अंदर जाना चाहिए, जाइए। थैंक यू। लड़की समझदार है इसलिए मेरी बात समझ गई। सुनो, मैंने ये ट्रेन यहाँ पर अपना प्यार पाने के लिए रोकी है और अपने स्टेशन पहुंचने तक मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए, जस्ट फॉर अ टाइम पास, ओके? किसने चैन खींचा? अरे मैं पूछता हूँ, किसने चैन खींचा? इस आदमी ने। मत बताओ प्लीज।
अब बोल जरा क्या बोल रहा था तू? भाई अपनी सीट पर चलकर बैठो ना। बोल, जेल जाना चाहता है तू? जेल की बात कहाँ से आ गई, तू चल ना प्लीज प्लीज। आपको पता है क्या किसने चैन खींचा? मुझे पता नहीं, मगर एक आदमी इधर से भाग के चला गया। छोड़ूंगा नहीं, चलो। क्या देख रहा है? अच्छा कैसी उंगली कर रहा था? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल वैसी उंगली की है। मैंने किसी और की फोटो बना रही थी। तेरी फोटो बनाई है उसने। क्या कर रहा तू? ये देखिए यहाँ जो लड़की बैठी थी उसने इसकी तस्वीर बनाई है, बिल्कुल इसके जैसी है ना। देखिए देखिए, अच्छी है ना। देखिए आप सब लोग भी देखिए, देखो देखो ये उसका चेहरा है, बंदर है बंदर। वही आंखें, वही मुंह, वही पूंछ और वैसा ही होंठ। क्या बात है, पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो। क्या स्केच बनाया है इसका? हमें तो पता ही नहीं था ये असल में बंदर जैसा दिखता है। अरे पूछ कहाँ गई तुम्हारी, छुपा रहा है क्या? वैसे आपको कैसे दिख गई? कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं चाहिए? ओके। दो। अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। उसकी बातें सुनकर तुम्हें बुरा लगा ना? मैं जब से तुमसे मिला हूँ बस बेवकूफी बन रहा हूँ। मुझे तो लगता है तुम सच में बदू हो। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। यू रियली स्मार्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? जब तुम मेरा चेहरा बना रही थी तो वो बंदर क्यों बन गया फिर? अगर मैं बंदर का चेहरा बनाऊंगी तो बंदर का ही लगेगा ना। इसका मतलब मैं तुम्हें बंदर जैसा दिखता हूँ? हे भगवान, मैं उस बंदर का चेहरा बना रही थी। हाँ मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। और कोई ऐसी वैसी नहीं। हे राम। क्या कहा आपने? राम? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं आपको नहीं, भगवान राम को याद कर रही थी। ओ, मेरा नाम राम है, पूरा नाम रामचंद्र है, लेकिन मेरे करीबी लोग मुझे रामू कहते हैं। तो फिर मैं भी तुम्हें रामू कहूँगी। जल्दी करीब आ गए। ओ कृष्णा। क्या कहा कृष्णा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं भी भगवान कृष्ण को याद कर रहा था। ओह, मेरा नाम भी कृष्णा है, पूरा नाम कृष्णा इंदु। जो लोग मेरे करीब हैं वो मुझे कृष्णा कहते हैं। तो फिर मैं भी तुम्हें कृष्णा ही बुलाऊंगा। श्योर। हेलो। ये पीएचडी का मतलब तो मैं पावर हाउस डिपार्टमेंट ही समझता था। मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं, पर अब मैं सब समझ गया हूँ। पूना सिटी में पूरा दिन साइकिल चलाकर एक दिन में 100 बोरी चावल सप्लाई करता हूँ। लेकिन अब पुराने दिनों वाली बात नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। अब बिना ऑटो रिक्शा के सामान पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि ऑटो तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम्हारे लिए साइकिल ही ठीक है। ए, मुंह बंद कर दिया। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? रामपुर। अच्छा, तुम्हारा गाँव रामपुर तो मेरे गाँव के बिल्कुल बगल में ही है, मतलब हम दोनों की मंजिल एक ही स्टेशन है। उस जगह पर मैं पहली बार जा रहा हूँ। हम दोनों के गांव का मंदिर और रेलवे स्टेशन दोनों एक ही है,
और आज तक उसी मंदिर को लेकर दोनों गांव में प्रॉब्लम चल रही है। ओह, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें वहाँ क्या काम है? मुझे वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाना है। क्यों, पुणे में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है क्या? अरे बेटा इसको ऐसे, हाँ, उस पोस्ट ऑफिस में पापा ने मेरे नाम पर पैसे जमा किए थे जो मुझे एडल्ट होने पर मिलने वाले थे। अब वो पैसे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी रकम बन गए हैं। जब मैं उस पोस्ट ऑफिस से बाहर आऊंगा तो लखपति बनकर आऊंगा, लखपति। हाँ अच्छा है अगर वो पोस्ट ऑफिस अभी तक बंद हो गया हो। हे, वो देखो नारियल का पानी। हाँ। कहते हैं इसे पीने से औरत की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ए भाई साहब, एक नारियल पानी। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉ नहीं चाहिए। किसे पता किसी गधे ने स्ट्रॉ को पहले यूज किया हो। जब तुम पीकर स्ट्रॉ नीचे फेंकते हो तो ये लोग उसे उठा लेते हैं और फिर से इस्तेमाल करते हैं। पर क्या करें, लोगों में जरा भी तमीज, तहजीब और अनुशासन है ही नहीं। वो सिर्फ इसे चूसना जानते हैं और इसके बाद फेंक देते हैं और इसी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। भाई साहब। हाँ, कितने हुए? 30 रुपए। 30 रुपए? हाँ। डिस्काउंट नहीं है? नहीं नहीं, नारियल में कैसा डिस्काउंट। हाँ, ये केरल का नारियल पानी है। ये पोलाची का है। पोलाची का है? हाँ, बाकी 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 पैसा दे दो ना। मलयाली को कभी बेवकूफ मत बनाना। अगर मैं मांगता नहीं तो वो पैसे नहीं देता, लेकिन मैं समझदार हूँ। क्या आदमी है बेवकूफ। स्टेशन के बाहर इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए होती है। ये सब हमें लूटने के लिए बैठे हैं। चलो जाने दो। मैं अभी इसे अंदर लेता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नो टेंशन, सिंपल है। कभी काला जादू देखा है? छोटी सी जगह से बड़े आदमी निकल जाते हैं, बस एक मिनट। कुछ भी कर ले, ये अंदर नहीं आ सकता। इसे पीना है तो ट्रेन के बाहर जाना पड़ेगा। निकल यहाँ से। मैं तो निकल जाऊंगा पर वो यहाँ से नहीं निकलेगा। तुम्हारे पास स्ट्रॉ होती तो इसका पानी जरूर पी सकते थे। अभी इस आदमी ने क्या कहा था, जिन लोगों में संस्कार और तमीज नहीं होती है वही स्ट्रॉ यूज करते हैं। उनकी वजह से लोगों में बीमारियां फैलती है। अब देखो कैसे स्ट्रगल कर रहा है। हे भगवान, तूने मेरा बदला खुद ही ले लिया। ओहो, अरे सुनो, जल्दी से पेन और पेपर निकालो और इस आदमी का इस हालत में एक फोटो बनाओ। अब तमीज दिखाई। कैसे लग रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे चर्च में पादरी के सामने खड़े होकर कन्फेशन कर रहे हो, पर देखना कहीं पीछे से हवा ना निकल जाए। इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ये अंदर कैसे आ गया? अभी मेरे सर पे क्या टकराया था? नारियल पानी। ये अंदर कैसे आया? Nothing is impossible. Wow. तो क्या रहा, खुलेगा नहीं? वो तो ठीक है, पर अभी मेरे सर पर क्या टकराया था वो समझ में नहीं आ रहा है। मंगल ग्रह से कोई मंगल यान आया होगा। ये नहीं हो सकता। इसमें चल, निकल 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 निकल। ये लीजिए। Thank you. अगर मैं चाहूँ तो इसे भी तोड़ सकता हूँ। जाने दो, अब ज्यादा मत बोलो। अभी दिखाता हूँ। कहा ना जरूरी नहीं है। तो क्या तुझे तोड़ूं? क्या मुझे तोड़ेगा? इस स्टेशन पर चाय चाय गर्मा गर्म पकौड़े वाला कोई नहीं है। बहुत जोर की भूख लगी है। हे भगवान। ये यहाँ पर कुतुब मीनार क्यों है? रुद्रा, ये सब क्या है? मालकिन, मैं तो यहाँ कल ही आ गया था। मालिक ने कहा था कि मैं सारा का सारा खाना आपको अपने हाथों से खिलाऊं, कम पड़ गया तो और बनाऊंगा। कम पड़ेगा? ये तो 10 से भी ज्यादा लोगों का खाना है। तुम इतना खाती हो क्या? सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सुना तुमने, ये सब करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब लेकर जाओ इसे। लेकिन
हेलो पापा। क्या हुआ बेटा, रुद्रा पर क्यों भड़क रही हो? क्या पापा, आपने इतना सारा खाना बनवा दिया, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है? मेरे हिसाब से तो खाना कम था। पापा। बेटा पेट भर के खाना खाने से अच्छी नींद आती है। पूरी रात जगकर पेंटिंग मत बनाना, सेहत खराब हो जाएगी। क्या हुआ? पापा मुझे बहुत याद करते हैं। हाँ? पापा को पसंद नहीं है कि मैं पेंटिंग्स बनाऊं। हैं? अरे ये तो ऊपर वाले का तोहफा है, तुम परेशान मत हो। अब मुझे बहुत अच्छी लगी, वाकई बहुत अच्छी है। अब मुझे भूख बहुत लगी है, अगर इसमें से थोड़ा सा दे दो तो मैं खाकर सो जाऊंगा। खाना और टेस्टी है। तू भी खाएगा? हाँ थोड़ा सा चलेगा। तेरी जबान खराब है, तुझे ये नहीं पचाई। hey, भैया आप खाओ ना। जरा सांभर देना। अब देख क्या रहा है, डालना। अरे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, पूरा डालना। अगर कोई मुझे खाने के लिए ऑफर करता है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, खा लेता हूँ। इसे तहजीब कहते हैं। जेल से भाग के आया क्या? नहीं छोड़ेंगे तो भागना पड़ेगा ना। हाँ मैं ट्रेन के दूसरे डब्बे में हूँ, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ठीक है। थैंक्स रुद्रा भाई। कोई बात नहीं। ये कैसा जंतु है, तुमने कभी मंकी को मंकी कैप पहने हुए देखा है? ए, क्या कहा तूने? मंकी अगर मंकी कैप पहने तो कैसा दिखेगा, ये कह रहा था। ये फैन काम नहीं कर रहा। हाँ सही कहा, काम नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ। ए, कोई बात नहीं, कुछ हो जाएगा। अरे मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जब उसने कह दिया कि जरूरी नहीं है तो क्यों हीरो बन रहा है? तेरे समझ में नहीं आएगी, अगर पंखा काम करेगा तो सबको हवा मिलेगी। जब कोई अच्छा करना चाहे तो बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं, स्पीड ब्रेकर कहीं। क्या? चुप कर। अगर ये फैन काम करेगा तो तुझे भी आना मिलेगा। कदा कहीं का। आप आराम कीजिए बहन जी। ओ कृष्णा, वायर टूटा हुआ है, एक मिनट स्विच ऑफ कर दो। ओके। इन लोगों की लापरवाही के कारण हमें हवा नहीं लग रही थी। देखा हो गया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। देखा मंकी कैप, ये दिया है ना, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गधा कहीं का। तूने तो पूरा पावर ही ऑफ कर दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने, कम से कम यहाँ उजाला तो। देखिए आप इसे डांटिए मत, मैं अभी इसकी क्लास लेता हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? तुम्हारे अंदर जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? अपने आप को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन समझते हैं? लगाऊं क्या एक थप्पड़? रहने दीजिए। जाकर कैंडेला, एक सीट के चक्कर में पूरी ट्रेन में अंधेरा कर दिया तूने। ये रही। मुंह बंद कर, बना दूंगा। इस बेवकूफ की वजह से सब परेशान है। अब यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग ट्रेन में। अरे मेरी सीट कहाँ चली गई? हुआ पर इसकी वजह से ये सब देखने मिल गया। अरे बिजली भी आ गई, थैंक गॉड। कुछ देर पहले ही आप सब इस पर इतना चिल्ला रहे थे, अगर ये ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी होती तो हम सब इतना खूबसूरत नजारा कैसे देख पाते।
भाई माफ कर दो। क्या सोच रही हो? कुछ ही देर में हम दोनों अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पता नहीं ये टिमटिमाते जुगनू और ये चांदनी रात फिर कब देखने मिलेगी। काश ये सब हमेशा ऐसा ही रहे। हम यहां से चले जाएंगे पर ये खूबसूरती हमेशा ऐसी रहेगी। उन पेड़ों के बारे में जरा सोचो, जब हम आगे जाते हैं तो यही पेड़ लगातार पीछे जाते रहते हैं। पता ऐसा क्यों? ये सब भूख की वजह से पीछे भाग रहे होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर एक इंसान को बहुत ही स्वस्थ जिंदगी बितानी है तो उसे साइकिल बहुत चलाना चाहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा वो। क्योंकि साइकिल के बहुत सारे फायदे हैं। देखो मैं बताता हूँ कितने फायदे हैं। पेट्रोल नहीं लगता, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हेलमेट नहीं पहनना पड़ता, पुलिस कभी आपको नहीं पकड़ती। स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन? जिस स्टेशन पर हमें उतरना है वो स्टेशन। बातों बातों में पता नहीं स्टेशन कब आ गया। जल्दी करो, हाँ ट्रेन यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है। आराम से। ए कृष्णा, कृष्णा! अरे हटे हटे, क्या कर रहा है? गधा कहीं का? क्या मुसीबत है? अरे मेरी बेटी। पापा, भैया, तुम लेट हो गई हो। आप लेट हुए हैं। ट्रेन चलने वाली है, मुझे नीचे भी उतरना है। घर पे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजीव। हाय। तुम जल्दी से इसे घर ले जाओ। राम मंदिर में त्योहारों का वक्त आ गया है, वहां मुझे जरूरी काम से जाना है। निकल जा। आओ। ओफो, ट्रेन तो चलने लगी। आ रहा हूं मैं। हे कृष्णा, अब मैं क्या करूं? एक बात बताओ। हाँ? तुम स्टेशन पर किसे ढूंढ रही थी? वो जब तुम बार बार ट्रेन कंपार्टमेंट के पास देख रही थी तभी मैंने गेस किया था कि तुम क्या देख रही थी। क्या? तुम्हारी कोई तो खास चीज ट्रेन में छूट गई थी, सही कह रहा हूँ ना? आज ट्रेन में बहुत प्यारे इंसान से मिली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो तुम्हें वो पसंद है? हाँ, क्यों नहीं? तब तो अपना प्रपोजल कैंसिल। यू? He's just like a friend. मैं तो कुछ ज्यादा ही समझ गया। अच्छा, पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं किसी और से प्यार करने लगूं? तभी तो मैं बचूंगा। हाँ? क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? कृष्णा, अगर मैं तुमसे अपनी पसंद नापसंद बताऊंगा तो हमारे घर वाले ये नहीं समझेंगे। जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था तब मैं हायर स्टडीज करना चाहता था, अब वहाँ मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ। देखो, मुझे यहाँ शादी के लिए बुलाया है और मुझे शादी करनी ही है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बता दो, क्योंकि मैंने भी कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं। कृष्णा, आई एम सीरियस। मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा है, और वैसे भी तुम मेरी दोस्त ज्यादा हो और कजिन कम हो। ये सब सोचकर ही हैंगओवर होता है। फिर तो उनसे कुछ मत कहना। किससे ना कहूं? अपने मम्मी पापा से। वो लोग कभी नहीं समझेंगे, और उन्हें पता चले तो न जाने क्या करेंगे। अंकल का फोन। नो, नहीं 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 नहीं। हेलो अंकल। हेलो, अरे कृष्णा बेटी। हाँ अंकल। जय भारती। हाँ? कृष्णा अच्छा, बोल रही है। बात कीजिए ना। तुम्हारे आने की खबर मिली तो फोन किया। सफर कैसा था तुम्हारा? हाँ, अच्छा था। हाँ, राजीव को फोन देना। हाँ, लो अंकल है। हेलो बेटा, तुम उसे अपनी कार में लेकर आ रहे हो ना? हाँ। तुम दोनों कार में बिल्कुल अकेले हो ना? जी हाँ। जय भारती, वो दोनों कार में बिल्कुल अकेले हैं। बात तो कीजिए। बेटा, आराम से घूम फिर कर घर आना, कोई जल्दी नहीं है। ओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करने का फैसला कर लिया है। हम बस वहाँ 2-3 दिन में पहुँच ही जाएंगे। पर मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। क्या कहा बेवकूफ? क्या हुआ? वो आज ही आने वाला है। नहीं नहीं, मैंने जो कहा तुम वही करना। जय भारती, फोन रखो।
अच्छा कृष्णा, एक बात बताओ, क्या तुम अपने ट्रेन वाले से प्यार कर सकती हो? मैं तो यही कामना करता हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाए। हाँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो उसकी फोटो भी बनाई है, अगर सब पसंद कर लेंगे तो शादी भी कर लूंगी। हे भगवान, मैं तो भूल गई। क्या क्या भूल गई? मेरा ड्रॉइंग पैड, लगता है ट्रेन में ही छूट गया। क्या चाहिए? आपके पास पीने के लिए क्या है? ये ठेका है क्या? क्या कहा ठेका? मेरे पास पाइनएप्पल, ट्रॉपिकाना, बैटरी सब क्या है। अरे नहीं, बैटरी नहीं, सुल्तान बाथेरी के बागान से चुन चुन कर बादाम से बनाई हुई दारू है मेरे पास। पियोगे? हाँ, आपके पास पानी नहीं है? मेरा मतलब साफ पानी। पानी फ्री है, ये लो। पर इसमें पानी कहाँ है? वो वहाँ कुएं के पास जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। मैं वहीं पी लूंगा। हाँ। आप मुझे रामपुर के पोस्ट ऑफिस का पता दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। यहाँ से सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, उसके बाद दाएं मुड़ जाना, फिर 10 कदम आगे जाके फिर से बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना। जगह बाईं ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? वहाँ से दक्षिण दिशा में जाओगे तो एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा? माफ करना, इतना बड़ा। उसके राइट साइड में एक चौपाल बनी है, वहीं पर एक मंदिर है, बस उसी के सामने ये बिल्डिंग। कहीं ऐसे भी लोगों को पता बताया जाता है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। थैंक्स। वैसे ये धारदार तलवार है किस लिए? लोगों को काटने के लिए। भाई साहब, इस तरह से मुझे डराइए मत। आपकी सफेद ड्रेस से ही लगता है कि आप कितने शांति प्रिय हैं, है ना? चलो। सॉरी। ये रहा पोस्ट ऑफिस। थैंक यू सर। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पोस्ट मास्टर साहब कहाँ है? वो ऑफिस में है। पैसे देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा यहां लिखा है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वीरभद्र के बेटे हो। एक मिनट, ये मेरी आईडी है। इसके अलावा आप मेरे माँ बाप की फोटो भी देख सकते हैं। हाँ, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर मुझे किसी की गवाही भी चाहिए। क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो? यहाँ पर तो यहाँ एक लड़की को जानता हूँ, वो यहीं की रहने वाली, उसका नाम है कृष्णा, वो पुणे में पढ़ाई कर रही। कृष्णेंदु? हाँ उसे जानता हूँ, वही ना जो हमारे नरसिम्हा साहब की बेटी है। हाँ, नरसिम्हा साहब की गवाही से काम चल जाएगा। हेलो। हेलो, मैं पोस्टमैन राघवन। हाँ बोलो। आपने जिसे यहाँ छोड़ा, आप उसे जानते हैं? नहीं। जानेंगे तो पागल हो जाएंगे। तू ज्यादा मेरी मत सोच, बात बता। आप जिसे छोड़कर गए हैं वो और कोई नहीं, वीरभद्र का बेटा है। सर, वो जो किला है वो किस तरफ पड़ेगा? यहाँ से जाओगे तो बाएं मुड़कर सीधे चले जाना, वहां तुम्हें राम का मंदिर मिलेगा। हाँ, नरसिम्हा साहब अभी वहां मौजूद भी होंगे, ट्रस्टी होने के नाते वो इस समय मंदिर में ही रहते हैं। अच्छा ठीक है। Thank you.
यहाँ से चला गया। माफ कीजिए, मैंने तो बस नारियल फोड़ा था, मुझे नहीं पता था, सॉरी। वो बस नारियल फोड़ रहा था, मुझ पर कोई हमला नहीं किया उसने, उन्हें वापस दे दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ही रख लो। अच्छा आपको नहीं चाहिए, दे दो। पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा? सर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। कहाँ से आए हो? पुणे से। पुणे से यहाँ क्या नारियल फोड़ने के लिए आया है? जी वो मैं मंदिर में आया इसलिए नारियल फोड़ा, यहाँ के पोस्ट ऑफिस में काम था। शायद आप मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ भैया, पिताजी को फोन दे, देता हूँ। भैया हेलो पिताजी, उस वीरभद्र का बेटा इसी गांव में है। हेलो हेलो वीरभद्र, वीरभद्र वीरप्पन, वीरभद्र पिताजी, वीरभद्र। ओ विजय भद्रा, वीरभद्रा। आवाज क्लियर नहीं है, तुम घर आके बताओ। हाँ तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? ओ मुझे यहाँ मिलना है कृष्णा से, कृष्णेंदु। कृष्णेंदु तो मेरी बेटी है। ओह उससे क्या काम है? वो हम दोनों ट्रेन में साथ में आए थे, कृष्णा अपनी एक बुक ट्रेन में ही भूल आई थी, बस उसे ही लौटाने आया था, मुझे एड्रेस उसी बुक से मिला। ओह वो मुझे एक मदद भी चाहिए थी। कैसी मदद? जी वो मेरे नाम पर महोत्सव का वक्त हो रहा है। हाँ चलो घर चलकर बात करते हैं, जो हमसे मिलने आता है वो हमारा मेहमान होता है। अन्नपूर्णेश्वरी देवी का मंदिर है जी। ये घर के अंदर मंदिर क्यों बनवाया गया? ये हमारे पूर्वजों के जमाने से इस घर में ही विराजमान है। जो यहाँ मेहमान बन के आता है उसे भगवान मानते हैं। मेहमान तो भगवान के समान होता है, आज तुम हमारे मेहमान हो इसीलिए चलो अंदर चलो। दादाजी। अच्छा तो तुम सब आ गए, चलो। अरे तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई। और घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, आशा करती हूँ कि पूजा अच्छे से हो गई होगी। श्री राम की कृपा से अच्छा हो गया। ये मेरे बड़े बेटे की पत्नी मनुमति है। कहाँ गया ये? बेटा क्या देख रहे हो? जी वो आज जहाँ इंसानों को जानवर समझा जाता है वहीं पर आप जानवरों को इंसानों जैसा समझ रहे हैं, ये बड़प्पन है आपका। गौ माता की पूजा करना हमारे परिवार की परंपरा है, हमारे परिवार की समृद्धि और शांति का प्रतीक है वो। क्या कह रहा है ये? सर हाँ? सर ये घर है या महल? यहाँ अगर किचन से हॉल में चाय लानी हो तो रास्ते में ही ठंडी हो जाएगी, यहाँ घूमने के लिए किसी बाइक या ऑटो की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं हूँ रामू, रामचंद्र। सर ने कहा कि वो कृष्णा कहाँ है? वो ऊपर रही, बुलाओ उसे। कृष्णा
कृष्णा, आई माँ। नीचे बुलावा आया है, जल्दी जाओ। पहले मैं ये गेम फिनिश करूंगी। तुम नहीं जाओगी तो लोग मुझ पर शक करेंगे। चलो उठो, चलो। हाँ, ये क्या, तुम तो हारने वाले थे ना। कृष्णा जाओ। रामू। हाय। What a surprise! तुम यहाँ कैसे? बस ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। तुमने इसे पहचाना? ये रामू है, वही जिसके साथ मैं ट्रेन में आई थी। अच्छा, तुम स्टेशन पर ट्रेन से उतरे क्यों नहीं? जैसे मैं ट्रेन से उतरने लगा, मुझे कृष्णा की ड्राइंग बुक सीट के नीचे दिख गई। जब तक मैं उसे उठाने की कोशिश करने लगा, तब तक ट्रेन चल चुकी थी। तो मैं अगले स्टेशन पर उतरा और बस से यहाँ आया। ये लो। थैंक यू। तुमने इतनी मेहनत इसकी ड्राइंग बुक के लिए की थी क्या? सही कहा। बस मैंने तो मदद, हम सब तो यही कामना करते हैं कि ये किताब कहीं खो जाए। एनीवे, चलो एक दूसरे से पहचान कर लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर राजीव। हेलो, मैं रामू। रामू, हाँ? तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाने पर मिलेंगे। जी चलो। हाँ। आ जा अंकल, खाना खाने के बाद हम गेम खेलेंगे। ओके। क्या मैं तुम्हें आम की चटनी और दूँ? हाँ जरूर, मुझे आम की चटनी बहुत पसंद है, मेरी माँ बहुत प्यार से बनाती थी। बस 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 बस। अरे और थोड़ा ले लो। नहीं बस हो गया, अपने पेट में थोड़ी जगह बचा के रखता हूँ ताकि मीठा खा सकूं। बेटा, मीठा खाने से पहले तुम्हें दही और चावल भी खाना पड़ेगा, याद रहे, तब कहीं आनंद आएगा। अगर मैंने थोड़ा और खा लिया तो कल अखबार में मेरी न्यूज छप जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, रामू नाम के आदमी की ज्यादा खाना खाने से मौत हो गई। ज्यादा खाने से उसका पेट फट गया। न्यूज वाले ऐसा ही करते हैं। इसमें इतना हंसने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये यहाँ पर खास मकसद से आया है। कैसा मकसद? अब मैं तुम्हें बताऊँ, तुम ही तो उसका खास मकसद। हाँ, सुनो, थोड़ा मीठे के लिए जगह रखना, शादी के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आप भी कम खाइए। नहीं तो आप भी नहीं उतना खाएंगे। सच कह रहा हूँ। अरे सर, सर आप यहाँ कैसे आए? लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। जी हाँ सर, इन्होंने ही अपनी बाइक पर मुझे पोस्ट ऑफिस तक छोड़ा था। ये अच्छे इंसान है। ये सूर्य सिम्हा है, मेरा बड़ा बेटा। सूर्य सिम्हा और ये चंद्र सिम्हा, सिंघम वन एंड सिंघम टू। पिताजी जरा इधर आइए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग खाना खा रहे हैं। पिताजी जरूरी काम है। ओ, ये ऐसा ही करता है, जरूर कोई ना कोई समस्या लाया होगा। मैं आता हूँ। ए, तू भी आ जा। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? जब कोई मेहमान घर आता है तो ऐसे पेश आते हैं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा, आप मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा ही समझिए। क्या हुआ सूर्या, बात क्या है? जिस इंसान की आप खातिरदारी कर रहे हैं, पता है वो कौन है? वो हमारा अतिथि नहीं है। वो हमारे दुश्मन वीरभद्र का बेटा है, जिसने हमारे चाचा जी को मारा था। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? लाइए तलवार दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके यहीं गाड़ दूंगा। रुक जाओ चंद्र सिम्हा। मुझे रोक रहे हैं? मेरा गुस्सा तुमसे 10 गुना ज्यादा है, पर इस घर में खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। अगर उसकी मौत यहाँ हुई तो अनर्थ हो जाएगा, अन्नपूर्णेश्वरी देवी काली का रूप धारण कर लेंगी। एक बात और, माँ को इस कत्ल के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें उस पर दया आ जाएगी और वो बच जाएगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जैसे तुमने इतना इंतजार किया,
वैसे ही थोड़ा और करो। जैसे ही वो इस घर से बाहर जाएगा, उसका शरीर उसके धड़ से अलग कर दो। उसकी एक भी चीख इस घर में नहीं गूंजनी चाहिए। चंद्रसिम्हा, अपने लोगों को जाके समझा दो। रुद्रा, मालिक, अंदर जो मेहमान है वो हमारा जानी दुश्मन है। जैसे वो घर से बाहर निकले उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, पर घर के अंदर उसकी चीख नहीं पहुंचनी चाहिए। माँ जी, जैसा पिताजी ने कहा वैसा ही होना चाहिए, वरना पता चला ना तो पता चलेगा इनको भी नहीं चलेगा। दादी जरा ये बच्चों को देना। ये कौन है? ये मेरा भाई है। अभी तक ये कहाँ था? वो तो अंदर सो रहा था। ये हमेशा सोता रहता है। ये कुंभकर्ण है क्या? अक्कर बक्कर बंदे दो 80-90 पूरे 100। बच्चों तुम लोग अंदर जाओ। पापा, रामू आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं यहाँ के पोस्ट ऑफिस में आया था, मेरे पिताजी यहीं के रहने वाले थे। हाँ हाँ, वैसे तुम्हारे पापा का नाम क्या था? दादी आप इसे तो पहले बोलने दो। तुम बोलो। जब मैं छोटा था, पिताजी ने मेरे नाम पर पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए थे, पर वो यहाँ के किसी आदमी की जमानत मांग रहे हैं। अगर आप मदद करेंगे तो। इसमें क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। समय बर्बाद मत करो, अब हमें चलना चाहिए। चलो अंकल, अंकल प्लीज हमारे साथ एक गेम खेलकर ले जाइए ना। अच्छा गेम? बच्चों, अंकल को किसी जरूरी काम से अभी जाना होगा। प्लीज हमारे साथ प्लीज एक गेम प्लीज। हाँ बेटा, मुझे हाथ में चली नहीं आती है, बच्चे हमेशा मेरी कमजोरी रहे हैं। बस एक खेल। हाँ नहीं, दो गेम। ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं। ओके सर, बच्चों को बुरा लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आग में चोली मेरा फेवरेट गेम रहा है। कहा था ना ये कहीं नहीं जाएगा, अपने काम को अंजाम देकर ही जाएगा वो। पहले कौन चोर बनेगा? बुआ बुआ, पहले आपकी बारी। ओके। आँख में चोली तो ठीक है, लेकिन उसे गले मत लगा लेना। अपना मुंह बंद करो। भैया एकदम सही समय पर धर लिए गए आप। नहीं कृष्णा, रहने दो, मैं नहीं खेल। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको खेलना ही होगा। भैया क्या कर रहे हो, रहने दो। पिताजी, तुम्हारी माँ अपने गांव के बारे में जब भी बात करती थी वो डर जाती थी। पिताजी जरूरी काम है। ओ, ये ऐसा ही करता है, जरूर कोई ना कोई समस्या लाया होगा। मैं आता हूँ। तू भी आ जा। वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। देखा नहीं वो बच्चों के साथ कैसे खेल रहा था? उसे बाहर निकालकर मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
तुमने सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? अगर उसके खून का एक भी कतरा इस घर में गिरा तो यहाँ विनाश हो जाएगा। हम इतने सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही इस घर से बाहर जाएगा हम उसे काट के यहीं कहीं दफना देंगे। बच्चों अब बस हो गया। दादाजी प्लीज एक और राउंड खेलते हैं ना। नहीं अंकल को देर हो रही है, उन्हें जाना है। सर नहीं सर, अब मुझे कोई देर नहीं हो रही, बच्चों की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। पोस्ट ऑफिस का काम 5 बजे तक बंद हो जाता है, मैं चाहता हूँ आज ही तुम्हारा काम तमाम हो जाए। चले। हाँ ठीक है। वो मेरा बैग वहीं है। बैग तो यहाँ है। एक मिनट कृष्णा, क्या मैंने तुम्हारी ड्राइंग बुक वापस कर दी? हाँ कर दी थी। कहीं भूल तो नहीं रही हो? नहीं। अच्छा ठीक है। अंकल जा रहे हैं। डॉक्टर आप सब ठीक है ना? दादी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। बस मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। हे भगवान अब कौन बचा है? हाँ कृष्णा की मम्मी जी, खाना आपने बहुत अच्छा बनाया था। वो आम की चटनी तो कमाल की थी, कैसे बनाई थी बताइए ना। वो चटनी तो मनुमति ने बनाई थी। ओ मनुमति बहन ने बनाई थी, उस चटनी में आपने क्या डाला था? बाद में पूछ लेना। अगर मुझे आम की चटनी खानी हो तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कैसे बनती है। बहन जी आप बताइए कि आप इसमें किस तरह काम इस्तेमाल करती है? मेरा मतलब छोटा है बड़ा? कच्चा मतलब एकदम कच्चा या फिर थोड़ा छोटा? ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। मतलब आप मीडियम साइज वाले आम से बनाती हैं? सही कहा। सारे आम एक साइज के बाद उसे काट कर पीसते हैं। पीसते हैं? अच्छा फिर उसमें क्या मिलाते हैं? धनिया पुदीना मिलाकर उसे सुखाते हैं। सुखाते हैं? ज्यादा नहीं सुखाना है, बस इतना कि उसका खट्टापन ना निकले। फिर उसमें मिर्ची मिला के अच्छे से पीसते हैं, फिर उसे तेल में मिक्स करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उसमें तेल नारियल का मिलाते हैं या फिर सरसों का? हाँ ये एकदम याद रखना होगा नहीं तो भूल जाऊंगा। फिर उसमें नारियल का तेल मिलाने अच्छा, के बाद अच्छा उसमें कुछ और ध्यान रखना, नारियल का तेल सरसों का दाना। भूल ही गया था एकदम से कि सरसों के दाने भी मिलाए जाते हैं। बस दो ही चम्मच डालना। हाँ, दो चम्मच। उसके बाद फिर इसमें क्या मिलाते हैं? हाँ सरसों के बाद कड़ी पत्ता को लाल मिर्च पाउडर में मिलाते हैं। ये सब होने के बाद पहले आप ये बताइए सरसों कितना मिला? भगवान अब मैं कैसे समझाऊं, सब थोड़ा थोड़ा मिला। लेकिन कितना मिलाना ये एकदम सही तो बताइए तभी। बाहर चलो मैं बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। हाँ पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। अरे बाप रे मैं रुद्रा से मिलना भूल गया, खाना तो उसने बताया था ना। रुद्रा तो बाहर ही है। ओह ऐसा है। बाय अंकल। हाँ, अरे प्यारे बच्चों बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं है क्या? ठीक है तो बताओ हम कौन सा खेल खेलेंगे? कभी हाथी की सवारी की है? नहीं। तो चलो हाथी हाथी खेलते हैं। ओके मान लो मैं हाथी हूँ। मैंने सोचा था सिर्फ एक बच्चा सवारी करेगा। लगता है हाथी की तबीयत ठीक नहीं है। चले क्यों नहीं? टाटा टाटा। अरे बाप रे अब क्या हुआ? अब मेरा पर्स कहीं खो गया, मेरी सारी कमाई उसी में थी, कहाँ चला गया? ड्रामा। चुप करो। इसका पर्स ढूंढो। मिल गया मिल गया। मेरा मतलब मेरा पर्स मिल गया।
मैं गौ माता से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ, मैं भी आता हूँ। गौ माता मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं गाय जी। गाय टू कोई बात नहीं, याद आएगी आपकी, बहुत याद आएगी। बाय बाय। ओके टाटा। मैंने इतना शानदार घर कभी नहीं देखा। आप सब ने मुझे इतनी इज्जत दी, इसलिए मैं आप सबका बहुत एहसान मंद हूँ। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। जब भी इस घर का हर खंबा देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसे गले से लगा लूँ। ऊपर वाले क्या घर है ये। इस शानदार घर की महिमा टिकी है इस घर के सारे खंभों पर, और जब भी मैं कोई खंबा देखता हूँ तो लगता है ईश्वर इन्हीं खंभों में बसा है। ये घर नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग है स्वर्ग। और ऐसा लगता है कि इस घर के लिए इतना प्यार काफी है। चलो सब ठीक है ना? हाँ हाँ। भाई मैं देवी से आशीर्वाद ले लूं? जैसे ही वो बाहर निकले तुम दरवाजा बंद कर देना, माँ यही है। जी। लेके चलो। नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। नहीं इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। देखिए हॉस्पिटल से मुझे एलर्जी है। हॉस्पिटल क्यों ले जाना चाहते हो, डॉक्टर तो यहाँ पर है। राजीव इसे देखो तो क्या हुआ है। कहाँ दर्द हो रहा है आपको बताइए, कहाँ दर्द हो रहा है? या, या। लगता है ये दर्द इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो देख क्या रहे हैं, किसी फिजिशियन के पास ले चलते हैं। रहने दो, ये घटना इस घर में हुई है और इलाज भी यही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिजिशियन को यहीं बुला लेंगे, और तब तक ये यहीं पर रहेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इसे ऊपर ले चलो। नहीं ऊपर नहीं जा रहा मुझे। अरे मतलब ऊपर कमरे में। आराम से, आराम से मुझे छोड़ मत देना। थोड़ा ऊपर उठाओ, आराम से, आराम से, आराम से, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे उठाओ। अभी ये वाला, वो, वो। मसल्स और हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? हे, क्या हुआ? वैसे दर्द कहाँ हो रहा है? अब मैं कैसे बताऊं, पर लगता है यहीं पर है। अगर घुटनों में इंजरी है तो वो दिमाग पर असर कर सकती है। अगर ऐसी बात है तो बाएं हाथ की छोटी उंगली ये वाली कुछ इस तरह वाइब्रेट करती है। हाँ? देखा छोटी उंगली वाइब्रेट कर रही है। देखा आपने वाइब्रेट कर रही है। फिर तो सीरियस है, इन्हें काफी आराम की जरूरत है। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
अगर ये इस घर में कुछ दिन रुकेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा आओ कृष्णा। उफ, आज जिंदगी में पहली बार मालूम पड़ा कि सिर्फ एक उंगली को हिलाना कितना मुश्किल होता है। मैं इस उबलते पानी को कहाँ डालूं? अपने सर पर डाल लो। है? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। ओ क्या मसल्स है तुम्हारी भाई, मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। सिक्स पैक्स पे बनाया तुमने। अच्छा भाई, विंग्स भी मेंटेन किए क्या? बिल्कुल। अपना हाथ उठाकर उसे दिखा सकते? दिखाता हूँ। तो दिखाओ सर, जरा ऊपर उठाकर दिखाओ ना। ठीक है। हाँ हाँ चलो दिखाओ। गई भैंस पानी में। राजीव तुम्हें अचानक क्या हो गया? रामू ठीक तो हो जाएगा ना? एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद और होम्योपैथ ने भी उतनी तरक्की नहीं की है। तो होम्योपैथी के पास इसका इलाज है। क्या कोई तकलीफ में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उसके शरीर में कोई दर्द नहीं है, उसे लवेरिया हो गया है। लवेरिया हुआ है? हाँ, तुमसे हुआ है, और वो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए रुका हुआ है। फालतू की बातें मत करो। कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, खुद पता चल जाएगा। मेरी हेडलाइट मत फोड़ देना। अबे आराम से उठा। अबे मैं बहुत खास साइकिल हूँ। अबे क्या कर रहे हो? अबे बे 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 आराम से रखो रखो रखो। अबे ये कौन है? क्या ये मेरे ऊपर बैठेगा? अबे मोटे मेरा चूरन बन जाएगा बे। अबे मोटे मेरे ऊपर रहम करना। अबे आराम से। अबे मेरे फेफड़े सूज गए बे। अबे एक नहीं दिन मेरी अहमियत का पता चलेगा। ए रामू कहाँ गया तू? अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? क्या दर्द है, जाने के नाम नहीं ले रहा है। तुम्हारी बुद्धि लोमड़ी की तरह है। तुम्हें मुसीबत से बचना अच्छे से आता है, पर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे दिमाग ने उस झूले का सहारा लेकर तुम्हें बचा लिया है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर तुम्हारा समय अच्छा है तो तुम बच जाओगे, चाहे आसमान क्यों ना गिर जाए। लेकिन समय बुरा हुआ तो एक साधारण ब्लेड भी काफी है तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए। किसी ने कहा है, बाप का पाप बच्चे को लगता है। पर इसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? माता पिता की जायदाद पर बच्चों का हक होता है, तो पाप का क्यों नहीं होता? तुम यहाँ बाप के जमा किए हुए पैसे लेने आए हो ना? बस वैसे ही। आज मैं तुम्हारा काम खत्म नहीं कर सका, लेकिन कल जरूर कर दूंगा। कहने का मतलब है पोस्ट ऑफिस का काम। माँ ये आदमी यहाँ बच्चे को डराने के लिए खड़ा है क्या?
जाए, मुझे मत मारो। रात के 2 बज गए। मैं तो भूल ही गया था। भूल गए? नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हें बताना भूल गया कि कल रात को 10:30 से 12:30 के बीच में घटना हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखो, मैं बिल्कुल अच्छे से अपने कमर हिला सकता हूँ। मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो? मतलब आज तुम्हारा काम खत्म कर सकते हैं। कैसा काम भाई? पोस्ट ऑफिस का काम। वो सर भी आते तो अच्छा होता। सर तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। ओ, मेरा बैग। ये लो तुम्हारा बैग। हाँ, अरे रे, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। मारे गए गुलफाम। चलता हूँ भाई।
कमीना पिछले दो घंटों से नहा रहा है। वो नहाने के बहाने हमें बेवकूफ बना रहा है। वो जानता है बाहर जाते ही वो मारा जाएगा। ये तो मुझे भी पता है। तो हम यहाँ बातें क्या कर रहे हैं? मैं अभी जाके उसे खींच कर ले आता हूँ। किस्मत में जो लिखा है वो बदला नहीं जा सकता। भगवान ने आज ही उसकी मौत की तारीख लिखी है। तुम लोग भूल गए आज क्या खास है? आज ही के दिन तुम्हारे चाचा का कत्ल हुआ था और भगवान ने आज ही हिसाब किताब खत्म करने का मौका दिया है। ओम वा मे मनसे प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठे तमावीरावे। ये सब क्या हो रहा है? वश्यम अर्थिता श्रुतम मेमा प्रसासीदने नादिते नाहुरात्रान संध्या प्रियतम वादिश्मामि सत्यम वादिश्मामि धनमा। ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तुझे मारने के लिए। मुझे मारने के लिए इतने लोग? लगता है आज जी भर के नहाए हो। मैं हमेशा जी भर के नहाता हूँ। कौवा स्नान मुझे नहीं आता। अच्छा यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? कृष्णा के चाचा की आज पुण्यतिथि है। कब हुई उनकी मौत? उनकी मौत हुए तो 30 साल पूरे हो गए। किसने मारा था उन्हें? पड़ोसी गांव के सरपंच वीरभद्र ने। वैसे तो वो बहुत ही बहादुर थे, दुश्मन को मार कर मरे थे। आज के दिन हम उनकी पुण्यतिथि मनाकर दुख प्रकट करते हैं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे दुश्मन का बेटा जहां पर भी होगा ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं डर गया था और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। हाँ लेकिन मैं इस परिवार का नहीं हूँ ना। तो वो तो जल्दी बन जाओगे। क्या मतलब? तुम इस परिवार का हिस्सा ही तो। कृष्णा भी प्रार्थना करेगी? वो तो करेगी, तुम पहले चलो। क्यों ना हम सब साथ में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अरे यार चलो भाई। चलो मैं क्या प्रार्थना करूंगा, बहुत टाइम टेकिंग आदमी है। ओ रामू, थोड़े फूल फोटो पर चढ़ा दो और हाथ जोड़कर नमस्कार करो। अब इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक इंद्र सिम्हा का कातिल वीरभद्र का बेटा चैन से जी रहा है, इंद्र सिम्हा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं उनकी आत्मा को कितना इंतजार करना पड़ेगा। अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। तेरा ध्यान किधर रहता है? घबराने की कोई बात नहीं है। पूजा शुरू कीजिए। आंटी, अरे देखा आपने, अरे कृष्णा बेटी, बेटी, अरे बेटी, कितनी पतली हो गई है तू। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, जब तुम बहू बनकर मेरे घर पर आओगी तो खिला पिला कर मैं तुम्हें मेरे जैसे बनाऊंगी। बेटा राजीव कहाँ है? वो वहाँ पर छिपा हुआ है। इधर आ बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना ये आसपास ही होगा। हाँ। मैं बताता हूँ, लगता है छुपा छुपी खेल रहा था। इसके साथ छुपा छुपी खेलने की जरूरत नहीं है, तू बस शादी कर ले। तुम क्या कहती हो? मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ अंकल, पर ये राजीव है कि मानता ही नहीं। हाँ हाँ, अब तुम पढ़ाई लिखाई बंद करो। हाँ। और इससे शादी कर लो।
अरे सुनो। हाँ सुनाओ। वहाँ देखिए वो आ रहे हैं। चलिए 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 जल्दी आओ। जय भारती, तुम समझ गई ना कृष्णा हमसे क्या कहना चाहती थी? मैं नहीं समझी। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। अच्छा हाँ, फिर आप जल्दी से जाकर भाई साहब से बात कर लीजिए ना। सुनो तुम वहाँ बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो अंकल, अब वहाँ जाके बैठो। मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम वहाँ बैठो। आप जाके वहाँ बैठिए, इसने एक बार आपको बोला ना, जाके वहाँ बैठिए। अब मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। जय भारती, इधर आ। कौन है वो? कौन? जब मैंने कहा मुझे जरूरी बात करनी है तो वो उसने कहा पीछे बैठो। अच्छा? जो उन दोनों के बीच बैठा था वो मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गया। क्या? बेटा इधर आओ। वो आदमी कौन है? कौन? अरे वही जिसने शॉर्ट कुर्ता पहना है और उन दोनों के बीच बैठा है। अरे वो जो कुछ बोलता नहीं। अच्छा वो तो रामू है, कृष्णा का दोस्त है। है? है? सरकार पंचामृत मंगवाइए। मैं लेकर आता हूँ। कृष्णा जल्दी से पंचामृत ले आओ। मैं भी लाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। पंचामृत मेरे बेडरूम में है। क्या हुआ? मैं भी आता हूँ ना। सॉरी सॉरी। तुमने कुछ देखा? जी मैंने देखा। देखो तो सही। हाँ। वो दोनों उसे कितनी इज्जत से लेकर आ रहे हैं। हाँ। अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर सबके खाने का इंतजाम कौन करेगा? वो सब रुद्रा संभाल लेगा। कौओं को चावल कौन परोसेगा? मैं खाऊंगा। मैं परोसूंगा। अरे ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो? मैं हमेशा यही क्यों पहुंच जाता हूँ? यहाँ तो कौवा भी नहीं दिख रहा है, लगता है सब मुझे ही खाना पड़ेगा। देख रही हूँ मेरे बेटे का हिस्सा कौवा खा रहा है। मतलब आपके बेटे की आत्मा को शांति मिल गई? ओह, अब तो उनकी आत्मा को शांति मिल गई। तो आप लोग मुझे जाने दीजिए ना। अगर किसी का कत्ल हुआ हो तो कातिल के वंश को खत्म किए बिना कभी शांति नहीं मिलती। को तो बहुत बुखार है, क्या आपने दवाई नहीं ली? नहीं, मैं आयुर्वेदिक दवा ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। अरे नानी जी की तबीयत खराब हो गई। हाँ। मैं पास में एक डॉक्टर को जानता हूँ, क्या हम नानी जी को हम दोनों वहाँ लेकर चले क्या? क्योंकि यहाँ तो सब काम में लगे हुए हैं। यहाँ तो सब खाली बैठे हैं। घर के लोग है ना नानी जी को ले जाने के लिए। दादी जी हमें रामू से कुछ खास बात करनी है। तो हमारी नानी के साथ भागना चाहता है? नहीं। तेरी किस्मत खराब है, तो हमारे चाचा के कातिल का बेटा है और हमारे बीच में फंस गया है। बस ये कार्यक्रम निपट जाए और मेहमान चले जाएं, फिर हम जो कार्यक्रम शुरू करेंगे उसमें तेरा रहना बहुत जरूरी है। सारे मेहमान
तो जा रहे हैं, जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो रामू? मेरा मतलब जब सारे मेहमान चले जाएंगे तो ये घर काटने को दौड़ेगा। पर मेहमानों को तो जाना ही पड़ता है, अगली बार ये लोग कृष्णा की शादी में आएंगे। तब तक मैं खुद को कैसे बचाऊं? पिछले साल आप दिल्ली में मुझे मिले ही नहीं, क्या हुआ? बहुत मजा बेटा, करेंगे। इधर आओ। ये राज पेरुमल जी हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते अंकल। अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई, इसकी शादी कब कर रहे हैं आप? कहें तो मैं लड़का ढूंढूं इसके लिए। पढ़ाई के बाद शादी की बात सोचते हैं। जय भारती। कहिए स्वामी जी। कृष्णा और राजीव की शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी ना? हाँ। पर उन लोगों ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है हाँ। उनको शादी में दिलचस्पी नहीं। हे भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम हमारे परिवार के मैटर में क्यों कूद रहे हो? मैं तो बीता हुआ कल हूँ, मैंने तो बस आपकी जानकारी के लिए ऐसा कहा। और आपका बेटा वैसे है क्या एक डॉक्टर? इस घर की बेटी के लिए उससे भी ज्यादा काबिल लड़का ढूंढा जा रहा है। अरे फालतू की बात मत करो। मैं तो बस इतना कह रहा था कि आपके बेटे की शादी सब लोगों के सामने हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, आपने नाम नहीं बताया। आई एम सुमंत। और मैं जय भारती। जय भारती। सुमंत, मुझे लगा कि सुमंत तो मर चुका है। अरे, मैं वो सुमंत नहीं हूँ, मैं जीवन सुमंत। अच्छा, तो आप दूसरे वाले सुमंत हैं। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं आप लोग? जी वो मैं इनसे कहते आ रही हूँ, पर ये मेरी बात ही कहाँ सुनते हैं। जय भारती जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं, तो क्या बात कर रहा है, ये लोग कभी भी अपनी जुबान से नहीं मुकर सकते। आपको इतना यकीन है तो होने दीजिए जो हो रहा है। लगता है आपको उनकी जुबान पर शक हो रहा है। जय भारती जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, लड़का लड़की ने बचपन में बहुत सारी बातें की होंगी, पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। अरे बिल्कुल होगी। हाँ। आपको ऐसा लगता तो शादी आज ही करवाइए। आज? हाँ आज, क्यों नहीं। अभी सारे मेहमान यहीं पर हैं, तो फिर आप किस बात की देरी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सही कहा। हाँ। आखिर आपके बेटे की शादी का सवाल है, अगर आप नरसिम्हा जी से कहेंगे तो वो बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज शादी कैसे हो सकती है? आज तो हमारे घर में दुख का दिन है। पर अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर वो कहेंगे। तो मैं ये शादी अभी क्यों करनी है, ये रस्म हो जाए, इसके बाद में बात करते हैं। अरे नहीं नरसिम्हा, ऐसी बात नहीं करेगा। चलिए तो आजमा के देख लेते हैं। हाँ, अगर आप मर्द है तो अभी बात करके दिखाइए। चलिए। ये मुझे चैलेंज कर रहा है। जया भारती, तुम भी साथ चलो। अगर हमें मरना है तो साथ में ही मरेंगे। हाँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आराम से बात कीजिएगा। मैं उससे आराम से ही बात करूंगा, बस तुम मेरी हिम्मत बढ़ाना। अच्छा, पीछे हटो, जरा पीछे हटो। नरसिम्हा, मुझे अभी के अभी फैसला करना है। क्या? हमने तय किया था अपने बच्चों की शादी करेंगे, तो शादी आज ही होगी। वो तो ठीक है, लेकिन आज शादी कैसे हो सकती है? आज तो हमारे घर में दुख का दिन है। तुम समझते क्यों नहीं, मरना जीना तो लगा ही रहता है, जिंदा लोगों के बारे में सोचो। मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा दिन है, तो ये शादी अभी हो जानी चाहिए। तुम्हें ये शादी अभी ही क्यों करनी है, ये रस्म हो जाए उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? भले ही रस्म के बाद शादी करेंगे, पर ये शादी होगी तो आज ही होगी। हाँ, अभी तो। अभी क्यों नहीं हो सकती, मेरे बेटे के अमेरिका जाने से पहले ही हमें ये शादी कर देनी है, और आज यहाँ पर सारे मेहमान भी मौजूद हैं। सुनिए, सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने फैसला किया है कि मेरे बेटे की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं बोलोगे तो धरना दूंगा। हाँ। हाँ। अब फैसले के बाद ही मैं यहाँ से उठूंगा। हाँ। जय भारती। कहिए स्वामी। मुझे रात के 7 बजे से पहले खाना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं धरने पर बैठने वाला हूँ। ठीक है। पापा, आप भी ना क्या कर रहे हो, चलिए उठिए, उठिए यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे अंकल, आपको इतनी जल्दी क्यों है, उसके लिए अच्छा मुहूर्त तो होना चाहिए। चंद्रसिम्हा, बड़ों से इज्जत से पेश आओ। हाँ। इनका अपमान करना हमारे लिए शर्म की बात है। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? जब भी हम शादी की बात करते हैं, आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। अगर आप लोगों का शादी करने का इरादा नहीं है तो खुलकर बता दीजिए। नरसिम्हा जी, यही अपना फैसला सुनाओ। फिर इतनी जल्दी कैसे? हमें आज ही एक और मामला खत्म करना था। पर कोई बात नहीं, मैं अपना फैसला अभी सुनाता हूँ। क्या क्या फैसला है? शादी आज के दिन ही होगी।
पता था कि तुम अपनी जुबान से नहीं पलटोगे। अंकल पापा की बातें सीरियस मत लीजिए, जो फैसला करना है आप सोच समझ कर कीजिए। और तू इधर आ, सुन लिया ना, तेरी और कृष्णा की शादी आज ही होगी। हाँ बेटा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? मैंने कृष्णा को कभी अपनी पत्नी के रूप में देखा ही नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? तुमने तो क्लाइमेक्स में आकर अपना असली रूप दिखा दिया। पर क्यों तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते? ओए माँ, मैं कांप क्यों रहा हूँ? अगर लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो ये शादी कैसे हो सकती है? हम लोग जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। कृष्णा जब से पुणे पढ़ने गई है तब से तुम्हें आपस में मिले कितने साल हो गए? वो एक, एक या दो साल। दो साल आप लोगों ने सुना, दो साल। अगर इन दो सालों के बारे में सोचे तो आप सब लोग ये देखिए, कृष्णा ने राजीव की फोटो बनाई है, ये देखिए जरा। कह सकते हैं कि राजीव ही कृष्णा के दिल में बसता है, ये देखिए जरा। रामू ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मेरे कंधे पर बंदूक तान रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि ऐसी छोटी सी बात के लिए ये शादी रोक देनी चाहिए? राजीव, तुम चाहे कितनी भी दलील दो लेकिन तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा दिल एक ही बात बोलता है, तुम कृष्णा से प्यार करते हो, कृष्णा ही तुम्हारी आंखों में बसती है। देखो देखो जरा। लेकिन कृष्णा अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगी और इसी वजह से वो यहाँ पर आई है, और मैंने इसकी आंखों में भी राजीव के लिए सच्चा प्यार देखा है। देखो देखो देखो, एक दूसरे को देखो। हाँ, देखा कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। इनके चेहरे बता रहे हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अगर इनकी शादी के बिना आप यहाँ से गए तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। इन दोनों के पवित्र प्यार के लिए हम सबको मिलकर दुआएं देनी चाहिए, हम सबको इनका साथ देना चाहिए। इस शानदार भाषण के लिए तालियां 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 हो जाए, शाबाश, तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। और इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए दीजिए, प्यार के पंछी है। माँ पापा आप लोग मुझे माफ कीजिए। हाँ। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, अच्छा हुआ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। मतलब हमारे बेटे हो। हाँ। कृष्णा, अगर मुझे समझने के लिए तुम्हें और वक्त चाहिए तो ठीक है। रामू, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मैं उसे समझ ही नहीं पाता। थैंक यू रामू। हाँ, हमें अचानक फैसला लेना पड़ा। अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? अरे आओ तो सही। ठीक है नरसिम्हा, यहाँ का सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आखिर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के ये शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि इसका श्रेय किसे जाता है? इसे जाता है। जानते हो मुझे ऐसा करने को किसने कहा कि आज ही मैं शादी की बात सारे मेहमानों के सामने फाइनल करूं? इसने इसने कहा था। पर मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है ये बहुत ही चालाक इंसान है, इसके दिमाग के सामने अच्छे अच्छे 30 बार खां भी फेल है। पर अब शादी के प्रोग्राम में जरा सा बदलाव आ गया है। कैसा बदलाव? मेरे भाई के पुण्य तिथि पर कोई भी शुभ कार्य इस घर में नहीं हो सकता। तो फिर अब हम ये शादी श्री राम मंदिर में करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। सुनो जय भारती। हाँ जी। अब शादी यहाँ नहीं मंदिर में होगी। अच्छा। सभी औरतों को बता दो। हाँ। अच्छा सुनो, शादी की जगह बदल गई है, शादी मंदिर में होगी। सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी माँ ने राम मंदिर में बुला लिया है, अब तो यहाँ से निकलना ही होगा।
बेटा जरा रामू अंकल को राजीव अंकल के कमरे में भेजना प्लीज। हाँ? हाँ। मैं सच बोल रहा हूँ। ये बच्चे हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। हम चलते हैं। चलो। अच्छा ठीक है। बेटी मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है, चलो। हेलो अंकल। हाँ हाय। आशा का फोन बज रहा है। रामू मेरा फोन। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। क्या ये लेटर तुम राजीव को दे दोगे? हाँ। शादी अब होने वाली है, तुम अपने दूल्हे को लव लेटर भेज रही हो? अफो ये सॉरी, प्लीज वो लेटर ले आओ। और राजीव अपने कमरे में है, ये लेटर बहुत जरूरी है। जरूरी है प्लीज। तुम सब सावधान रहना, वो कभी भी बाहर आ सकता है। अगर ये घर से बाहर निकला तो हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ। ए, जाओ, पकड़ो, अरे, पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलने कहीं के? मरेगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, शादी मंदिर में हो रही है। सुमन जी, मिलो। हाँ? ये राजीव कहाँ है? वो अपने कमरे में है, क्या हुआ? क्रिस्टिया ने उसे लेटर देने को कहा है। एक मिनट, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, हो सकता है उसे कुछ दवाइयां लिखवानी हो। कुछ भी नहीं लिखा है? पहुंच रहे हो ना? फिर उसने मुझे इसे देने के लिए क्यों कहा? इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें राजीव के कमरे में भेजा था। चाहे तुम जितना भी खुश होने का दिखावा कर लो रामू, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे हो। इसका मतलब कृष्णा तुम सब कुछ जान गई हो? तुम्हें ये सब पहले मुझे बता देना चाहिए था ना। वो मुझे भी इसका एहसास तभी हुआ जब मैं इस घर में आया। अगर इसके बारे में पापा को पता चल गया तो? पापा को सब कुछ पता है। क्या? अब तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। मैं काम करती हूँ रामू, राजीव के जरिए पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। तब तक तुम एक काम करो, किसी भी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करो, और तुम मुझे पास वाली पहाड़ी के पास मिलना, बाकी मैं संभाल लूंगी। लेकिन यहाँ सभी की नजर मुझ पर है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो फूलों की टोकरी देख रहे हो? वो उसे मंदिर ले जा रहे हैं, उनमें से एक बास्केट में तुम छुप जाओ, ठीक है? ऊपर वाले मुझे बचा ले।
ये तो बम जैसा लग रहा है, इसके अंदर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ रामू, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं ये सारी टोकरियाँ चेक कर रहा था, क्या है इसमें? बताती हूँ, शादी की रस्मों में फूल लाए जाते हैं, नारियल और चावल भी लाया जाता है, और ये सब पूजा के साधन है, और कृष्णा की शादी में इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ वो भी। बच गए। ये सब क्या है? ऑरेंज। चल मैं तुझे एप्पल देता हूँ। पर मुझे तो ऑरेंज चाहिए। तुम लोग जल्दी से तैयार होकर मंदिर के लिए निकलो। जगह से कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती है। तुम हमारी शराफत को देख के अब तक बेवकूफ बनाते रहे हो, पर अब नहीं, बहुत हो चुका सम्मान। मैं अपने पिताजी के वचनों से बंधा हुआ था, इसलिए तुझे यहाँ नहीं मार सकता था, लेकिन अब नहीं मानूंगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और पिताजी को बोल दूंगा कि मैंने तुझे घर के बाहर मारा है, मरने के लिए तैयार हो जा। रामू, तुम अभी तक मंदिर के लिए नहीं निकले? वो अंकल ने मुझे कुछ टोकरियां लाने को बोला। अच्छा। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो इन टोकरियों में छुपकर निकलना चाहता है। तो मैं भाई को बुला लेता हूं। नहीं, ये काम ना भैया करेंगे ना पिताजी, ये काम मैं करूंगा, और वो भी गांव वालों के सामने। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं, और किसी को पता भी ना चले। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन मंदिर जाकर आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही शादी होगी। तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। रामू को पसंद करती हूँ। रामू की जान खतरे में है। अगर पापा और भैया को पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो पता नहीं हम क्या करेंगे।
मैंने उसे पहाड़ी के पास बुलाया है। मैं रामू से बहुत प्यार करती हूँ राजीव, और वो भी मुझसे प्यार करता है। गलती मेरी है, सॉरी कृष्णा। इससे पहले सभी को पता चले यहां से निकल जाओ। हाँ, मैं अंकल और भैया लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, तुम चलो अब जाओ जल्दी। निकलना चाहता है, ये काम ना भैया करेंगे ना पिताजी, ये काम मैं करूंगा। वो तो इसी टोकरी में छुपा था, कहां गया वो? बात है मेरी आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए प्लीज। कृष्णा ये शादी नहीं करना चाहती है, वो रामू से प्यार करती है। उन दोनों की शादी को मना मत कीजिए। Oh!
रुद्रा देखो मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज। रुक। अभी तो रामू है, तू पहले से नीचे गिरा हुआ था क्या? अबे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? मुझे बता सकता है तू? ये यहाँ कहाँ से आ गई? अरे तू इंतजार किस बात का कर रहा है? जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जा और चल। Thank you.
अगर हम ये पुल पार करके जाएं तो उस तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। अगर हम यहाँ से निकलने के बाद ये लकड़ियाँ हटा दें तो वो ये पुल पार नहीं कर पाएंगे। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो चलो। कृष्ण तुम वहीं रहो, इधर आकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। कैसे राक्षसों की जगह है, अब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी जान प्यारी है। हो गया, थैंक्स। ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारा खानदानी दुश्मन हूँ, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की, पता नहीं कैसे शुक्रिया कहूँ। पता है तुम्हारे भाई और पिताजी ने मुझे मारने का प्लान बनाया था कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा वो मुझे मार देंगे, लेकिन उनका ये प्लान मुझे तभी पता चल गया था। ओ मां, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब कभी दोबारा मिलेंगे। शादी कर लेना और खुश रहना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा। हे कृष्णा, जल्दी जाओ, शादी का मुहूर्त निकल रहा होगा, जाओ जल्दी। काट डालूंगा इसे। नहीं पापा, नहीं, जाने दीजिए उसे। बेटी तुम इसे नहीं जानती हो, तुम्हारे छोटे चाचा के कातिल का बेटा है वो। मरे हुए कितने साल हो गए पापा, इसमें रामू की क्या गलती है? इसे तो उस बारे में कुछ पता ही नहीं है पापा, तो आप इसे सजा क्यों दे रहे हैं? भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया जान से मार दो उसे, जल्दी से उसे लगाओ। नहीं पापा। भैया देख कर मारो उसे, मारो उसे। तू अपनी शादी तोड़कर यहाँ चली आई, क्या तू अपने दुश्मन के बेटे से शादी करेगी? हाँ ये सच है कि मैं रामू से प्यार करती हूँ, पर इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सब कुछ छोड़कर तुम मुझ जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा प्यार अनदेखा कैसे करूं?
जिसने मुझे जिंदगी दी उसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। हाँ सच है कि मैंने तुम्हारे प्यार को पहचानने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आंखें खोलो।
कृष्णा मेरी बेटी कृष्णा क्या तूने क्या हुआ कृष्णा कृष्णा पापा बेटी ये तूने क्या किया इन सब का जिम्मेदार यही है मार दो इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे जब मेरी बेटी यहां से कूद गई थी तो तुम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश की थी जो लोग किसी की रक्षा नहीं कर सकते उन्हें बदला लेने का भी कोई हक नहीं है हमने इसके साथ जो कुछ भी किया उसे भुलाकर और अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए इसने कृष्णा बेटी को बचाया है आज से मेरी बेटी रामू की अमानत है इंसान को इंसान के लिए कभी भी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक दूसरे से प्यार करना चाहिए इस परिवार का कोई भी शख्स हथियार नहीं उठाएगा किसी की जान नहीं लेगा अब देवी के सामने कसम खाओ हम कसम खाते हैं अंकल अब तब कृष्णा के पिताजी ये सच में कोई आशीर्वाद है या फिर कसम खाई जा रही है जब पुराने किले के लोग कसम खाते हैं तो वो ब्रह्मा की लकीर होती है तो फिर मुझे भी कुछ कहना है हटो 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 जरा हटो देवी माँ मेरी रक्षा करना ये सब मैंने इसी घर से इकट्ठे किया एक मिनट ये भी है चाकू ओफो ये पेन ओ हाँ एक मिनट ये ब्लेड अब इन सब की क्या जरूरत है रामू तू तो बड़ा चालाक है क्या इधर आ इधर आ इधर आ जा आ जा अरे अरे खुश रहो खुश रहो अबे तेरे साथ साथ अब तेरी पत्नी का भी भार उठाना पड़ेगा मुझे चलो कोई बात नहीं आप सब सुन है मुझे और क्या चाहिए